सेना में अगर आपको जानकारी होगी, दो सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत और बाबा हरभजन, उन दोनों के मंदिर उसमें हैं। और देश के पहले सीडीएस जो हमारे उत्तराखंड के थे, देश के गौरव चाचा हमें छोड़कर चले गए, उसका मुख्य द्वार जनरल विपिन रावत के नाम पर हमने किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी नवंबर तक हमारा वो पूरा हो जाएगा, और जिस दिन वो पूरा होगा उसको लोग देखने आएंगे, जिस प्रकार लोग बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री को देखने आते हैं, उसको देखने आएंगे। और उसमें हमने कब तक पूरा होगा ये? नवंबर तक उसको पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है, बाकी सारा काम पूरा हो चुका है। और उसको जन भावनाओं के अनुरूप हमने बनाया, क्योंकि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है, देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर पांचवा जवान हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे ऑफिसर्स के रूप में हो, अभी पासिंग आउट परेड में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश जो हमसे कई गुना बड़ा है, उसके 52 कैडेट पास आउट हुए और हमारे 29 कैडेट पास आउट हुए। हमारा उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसकी आबादी 26 करोड़ से ऊपर है। तो इस बात का प्रतीक है कि चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे सैनिक अधिकारी के रूप में हो, यहां का नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहता है। आपकी बातचीत से ये मैसेज आ रहा है कि हर पांचवा फौजी जो है वो उत्तराखंडी होता है। बिल्कुल। तो इतने फौजी हैं, इतने पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, और बड़े अग्निवीर की बातें होती थी, आप लोगों ने बहुत सारे वायदे किए थे लोकसभा चुनाव के पहले, मोदी जी ने भी वायदा किया था, क्या उनके लिए रोजगार, क्या उनके लिए कुछ अगर आप सुविधाएं? जो अग्निवीर का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, फ्रांस, इजराइल, रशिया, ईरान, सिंगापुर जैसे 18 देश हैं। अब आप उदाहरण के लिए आप देखिए, अभी यूक्रेन युद्ध को 2 साल हो गए, अगर इस कंसेप्ट के सैनिक वहां पर नहीं होते, क्या राज लड़ सकते थे?